हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको होली पूजन की विधि बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको वो विधि बताऊंगी जिस विधि से हमारे यहाँ पर सदियों से होली पूजते आ रहे हैं सभी लोग, और अब हम लोग होली पूजते हैं। पहले हमारी मम्मी, हमारी दादी जिस विधि से होली पूजती थी, और यहाँ आके हमारी सास वगैरह को जैसे हमने देखा है होली पूजते हुए, वैसे ही मैं आपको आज बताऊंगी कि होली कैसे पूजी जाती है। तो हमारे यहाँ पर घर पर होली का दहन नहीं होता है और ना ही होली पूजन होता है। हमारे यहाँ पर होली पूजने के लिए पूरे गांव की होली एक ही बनाई जाती है और सभी महिलाएं जाकर वहीं पर होली पूजती हैं। तो हम भी वहीं पर जाते हैं होली पूजने के लिए। और इस तरह की होली होगी जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, सेम ऐसी ही होली हमारे यहाँ पर बनाई जाती है और वहीं पर जाकर हम होली का पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सामग्री मैंने आपको बताई थी होली पूजन के लिए जो लेनी है, वो सामग्री हम लेकर चले जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है होली पूजन की सामग्री का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले लेना और देख लेना। तो फ्रेंड्स, वो सारी सामग्री लेकर हम चले जाते हैं और जो ये होली है इसके बिल्कुल पास बैठ जाते हैं। जैसे कि आपको औरतें दिख रही होंगी बैठी हुई, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग वहां पर जाकर बैठते हैं। उसके बाद जो होली का जो ये लकड़ी होती है, जो उसके पास ही हम लोग अपना जो हम सामान लेके गए हैं उसमें से नारियल, जो ये नारियल हमने बनाया था, वो नारियल और ढाल बिड़कले की जो माला बनाई थी वो माला बिल्कुल उसके नजदीक रख लेते हैं हम, क्योंकि इन सब का हमें साथ ही पूजन करना होता है। तो ऐसे हम ये रख लेते हैं, कुछ माला हम यहाँ पे रखते हैं और कुछ माला बच्चे ऐसे ही ऊपर टांग देते हैं, खेल खेल में होली के ऊपर टांग दी जाती है। तो इस तरह से हम ये माला ले लेते हैं और यहाँ पर हम पूजन करते हैं। तो जो होली की जो तना या टहनी जो आई हुई होती है इसके आसपास, उस पर हम ये कच्चा सूत लपेटेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से लपेटेंगे जैसे ये टहनी है, और इस तरह से टहनी के या जो तना है उस पे हम ऐसे 7 बार लपेट देंगे इसको। ऐसे 7 बार लपेटते हुए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, फिर कुकड़ी को थोड़ी देर के लिए, एकदम से इसको अलग नहीं करते हैं। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं, सबसे पहले हम टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर होली के दिन हम लोग हल्दी का टीका लगाते हैं, तो हम जो होली माता है उनको भी टीका लगा देंगे, और ढाल बिटले की माला, नारियल वगैरह जो भी हमने यहाँ पे रखा है सबको हम हल्दी का टीका लगा देंगे। किसी किसी के यहाँ पर रोली का टीका भी लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हल्दी का ही टीका लगता है। उसके बाद जो भी आप फूल लेके आए हैं आप वो फूल चढ़ा दें। और उसके बाद हम लेके आते हैं गेहूं का आटा। तो जो गेहूं का आटा हम लेके आए हैं, हम वो गेहूं का आटा सभी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से हम सब पे चढ़ाएंगे। उसके बाद हम मीठा चढ़ाते हैं। तो मीठे के लिए हम यहाँ पर गुड़ लेके आए हैं, हमारे यहाँ पर गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। तो गुड़ हम यहाँ पर सभी को गुड़ का भोग लगाएंगे, यानी कि गुड़ चढ़ा देंगे हम लोग। उसके बाद जो बाली हम लेके आए थे जो की, वो बाली चढ़ा देंगे, 7 5 जो भी आप लेके आए हैं। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर गेहूं की बाली लेके जाते हैं पूजने के लिए, किसी किसी के यहाँ पर जौ की। तो जो आपके यहाँ पर जिस चीज की बाली लेके जाते हैं वो ले जाएं। हमारे यहाँ पर जो गेहूं की बाली है वो रात को जेंट्स लोग लेके जाते हैं होलिका दहन के समय, और हम लोग जब सुबह लेडीज पूजा करते हैं तो जौ की बाली ले जाते हैं। और जो गेहूं की बाली है उनकी टहनी तोड़ी नहीं जाती है, लंबी टहनी होती है उनके साथ में, और यहाँ से इस तरह से बांध लिया जाता है ताकि पीछे से वो पकड़ के और होलिका दहन के टाइम पे इस तरह से इसको भून सके, और भून के वो घर पे लाते हैं और सभी लोग प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ जो भी बालियां चढ़ाई जाती हो आप बाली चढ़ा दें। और जब बाली चढ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग ये सिक्के जो हम लाए हैं ये दक्षिणा के रूप में चढ़ा देते हैं। जो भी सिक्के आप लेके आए हैं वो चढ़ा दें। उसके बाद हम लोग पानी पिलाते हैं, यानी कि पानी का छीटा लगा देते हैं। तो किसी भी कवारी कन्या से मैं ये जो सूत का जो ये धागा है इसको अलग करा लूंगी, इसको खुद से अलग नहीं करते हैं, किसी भी कवारी कन्या से अलग करा लेते हैं। और उसके बाद मैं ये जो कच्चे सूत की कुकड़ी है वो अपनी देवरानी को दे देती हूँ, और वो पूजा कर लेती है। इतनी पूजा फिर वो करती है। जब हमारी सबकी पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लोग जल का लोटा लेते हैं और होली की परिक्रमा करते हैं। तो उसके बाद जिस तरह की ये मैंने जल का लोटा लिया और इसको हल्का हल्का सा ऐसे सींचते हुए पूरी होली की हम लोग परिक्रमा करते हैं।
इस तरह से हम पूरी होली की परिक्रमा करते हैं। जहां से हमने शुरू की थी होली पूजनी, मतलब जहां से हमने अपने ढाल बिड़कले रखे थे, यहां से शुरू करते हैं और आके यहीं पर पूरी होती है हमारी परिक्रमा। और किसी के यहाँ पर एक परिक्रमा की जाती है, किसी के यहाँ पर दो, किसी के यहाँ पर पांच, तो जितनी जहां पर परिक्रमा की जाए आप उतनी परिक्रमा कर लेना। और परिक्रमा पूरी करने के बाद हमारे यहाँ पर बाद में सबको टीका लगाया जाता है, जो जो पूजन के लिए आए हैं, क्योंकि बच्चे भी आते हैं साथ में, सब लेडीज आती हैं, सबको टीका लगाया जाता है। और उसके बाद होली माता से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर होली पूजी जाती है। और जब होली पूज के हम लोग घर जाते हैं, तो जब हम घर जाते हैं तो घर के दोनों कोलों पर हम लोग हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये हल्दी ले लेंगे हम लोग और दोनों कोलों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। और उसके बाद जो जल का लोटा लेके गए थे हम, वो खाली नहीं लाते हैं, थोड़ा सा जल उसमें लाते हैं और दोनों कोले सींच देते हैं। उस सींचने के बाद फिर हम लोग घर के अंदर जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर होली का व्रत किया जाता है, तो जो व्रत होता है वो हमारे यहाँ पर इतनी देर का ही होता है। बस जैसे ही हम होली पूज के आते हैं, आने के बाद हम दही और ठंडी रोटी खा के अपना व्रत खोल लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये व्रत रात तक किया जाता है, होलिका दहन के बाद खुलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बस आधे दिन का ही व्रत किया जाता है ये, और इसके बाद हम लोग व्रत खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं और होली का पूजन करते हैं। आपके यहाँ होली कैसे पूजी जाती है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।